क्रिंज इंस्टाग्राम रील्स तो आप लोग ने बहुत देखी होगी, खराब इंस्टाग्राम रील्स तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलाने वाला हूँ जो इसके भी नीचे चला गया। भाई का नाम है ईशान। अगर आप नहीं जानते ईशान भाई को, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। बताना। ईशान भाई राखी सावंत के पुराने मेकअप दादा हुआ करते थे, पर ऐसी बात नहीं है कि राखी उनको अच्छा ट्रीट नहीं करती थी। राखी ईशान को अपना दोस्त ही मानती थी ताकि उससे फ्री में मेकअप कराने के पैसे ना देने पड़े। हाँ मैं लोअर क्लास हूँ। अब इस बंदे को राखी सावंत ने छपरी वर्ष में लॉन्च किया है, एंड जब किसी को राखी सावंत लॉन्च करे तो आप समझ सकते हो भाई कैसा तहलका मचने वाला है। राखी जी, सारा खान जो है उनका नया जो म्यूजिक एल्बम है, वीडियो एल्बम, उसके लिए आप शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं, क्या कहना चाहें? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बडी, वीडियो का लॉन्च है और इसके ऐसा लग रहा है पूरे चाली वालों का मेकअप घर घर से छीन के इन्हीं लोगों ने लगा लिया है। थोड़ा और लाइट आ गया ना इनके चेहरे पे सीधा इनविजिबल हो जाएंगे। मालिक क्या वो फिर से गायब हो गया? ना ईशान भाई का इंस्टाग्राम बायो कहता है कि वो एक डांसर है। भाई जब देसी बार में इल्लीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हैं ना और पुलिस उठा के ले जाती है पिटाई के लिए, तो उसको पिटाई खाना कहते हैं, डांस करना नहीं। बात तो सही है। ईशान भाई की ठरकी रील्स देखने से अच्छा मैं इनकी पुलिस की पिटाई देख लूं, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आइए देखते हैं। ठरकी मैं क्यों बोल रहा हूं आपको पता नहीं? जिन लोगों को ईशान भाई नहीं पता अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा करते। भाई वो लड़की को वीडियो नहीं बनाना है तेरे साथ, इसलिए लात मार रही है तेरे को, लात मार रही है। निकल ले भाई तू। हाँ, चल भाई चल निकल ले। तेरे को लग रहा है कि वो नहीं दोस्त, उसमें भी कंटेंट निकाल रहा है, बेशरम। तुम्हें शर्म है कुछ? इधर बारिश का मौसम चल रहा है, मॉनसून वाइब है, पैर में मस्त कीचड़ लगा होगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे। भाई अगर मैं लड़की होता ना और अगर मेरे सामने ऐसा लड़का बैठा है ऐसे एक्सप्रेशंस देके, मैं एक लात मार के पीछे पानी में गिरा दूं। शक्ल पर ठरक दिख रही है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है हवस से भरी हुई। कुछ लोग होते हैं जो लाल सूट में एकदम डैशिंग लगते हैं, मेरे ऐसे और कुछ ऐसे फूली लग रहे। गोविंदा भी ये देख के जान दे देगा ये क्या है भाई, ये क्या पहन रहा है। और लड़की तो अंधी है, जो तू गुलाब इधर उधर कर रहा था और उसको दिखाई नहीं। हाँ वो भी है, इसको देख के सरप्राइज हो गई, मतलब पक्का अंधी होगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। डांस तो अच्छा है, कटरीना कैफ से इंस्पायर होके डांस किया जा रहा है, आई कैन सी, इसलिए एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे डांस में। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। उधर बसंती शोले मूवी में उसको पट्टी मार रहा था, फिर भी नाच रही थी, हंस रही थी, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू तो यही कर रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो एक्सप्रेशन दे। मना किया था ना खुद की रील्स मत देखना, चली गई ना आंखों की रोशनी। देश को आजाद करा के चले गए आप। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। सॉरी भाई नहीं देखूंगा, प्लीज सीने से मत लगा, ये मैनली नहीं है यार। और कुछ भी चलेगा, नहीं देखूंगा भाई, सॉरी, लगना ही नहीं है सीने से भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ये तकिया लेके तकिए के सीने लग जाऊं, लेकिन नो सॉरी भाई, इसकी ठरकी शक्ल देख के प्यार भी धमकी लग रही है। I always say makeup is not the option, real में भाई smooth skin लाओ। लेकिन एक skin problem है जो open pores होते हैं ना, ज्यादा oil secretion होता है face से, है ना, pimples के बाद जो skin रह जाती है। ए genetics, lifestyle, भाई बहुत कुछ है आपकी skin को खराब करने के लिए। एंड आपको पता ही है green tea जो होता है उसमें antioxidant content होता है जो कि पीने से body का metabolism अच्छा रहता है, बट अगर skin पे apply करो एक youthful glow देता है। तो मामा अर्थ आपके लिए लाया green tea range, green tea face wash, green tea day cream and green tea toner। Now इनमें है green tea जो skin से impurities निकालता है, निकालता है, फाइट्स फ्री रेडिकल डैमेज, कोलेजन जो कि स्किन में हाइड्रेशन बूस्ट करता है एंड स्किन की जो इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है एंड जो ओपन पोर्स का अपीयरेंस होता है उसको मिनिमाइज करता है। एंड ये कोलेजन जो है एक यूथफुल ग्लो भी देता है स्किन को, लीव्स यू विद हेल्दी स्मूथ एंड हैप्पी स्किन। इसकी पैकेजिंग मेरे को एक बहुत मस्त लगी, फ्रेश ग्रीन कलर में, क्योंकि आंखों को एकदम ठंडक देती है। इसको एज अ सीटीएम रेजिम यूज करना है, पहले फेस वॉश कर ले रहा है, फिर टोनर यूज करना है पोर्स मिनिमाइज करने, एंड उसके बाद ग्रीन टी डे क्रीम यूज करनी है। मस्त स्किन केयर रूटीन बना लो इसको। इट्स टाइम टू से हाई टू स्मूथ स्किन विद मामाज ग्रीन टी रेंज। आपको
मतलब बताइए, व्हेन यू परचेज फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है एक ट्री से, जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज टिल 2025। मेरा कोड यूज करो thagesh2022, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, वैलिड ऑन mamaearth.in एंड उसके ऐप पे, जो कि अवेलेबल है iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए, एंड प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल है Amazon, Flipkart, Nykaa पे, सो चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली। नो मोरिया भाई, आपकी राज मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कोलैब करने का राज क्या है? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने स्टाइलिश कपड़े पहनकर कहा इतने जल्दी जल्दी जा रहे हो? पूरे दिन की एक्टिविटी में राखी और रस्सी पे लाइन मार रही है, तो आराम से जाओ, कोई बात नहीं। ए रूपाली, ए रूपाली। शान भाई, आपका मैनेजर शायद आपको अच्छे से गाइड नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा कौन सी वीडियो अपलोड करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। पहली बार मिले हैं, आपका कंटेंट देख के लगता है कुछ नहीं करना चाहिए अपलोड। आपको लग रहा है कि अगर आप गाने पे दो ठुमके लगा दो तो वो मास्टरपीस है रील? क्या माल है यार। ऐसे सिचुएशन में आप मेरे को कॉल कर दो, थगेश भाई एक रील बनाई थी, अपलोड कर दूं क्या? मैं बोला कॉल मत करना, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर चले जाओ। वैसे भी आंसर मेरा रील बिना देखे नहीं होगा। ईशान भाई, लास्ट टाइम इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 8 में देखे गए थे, इतनी बड़ी गलती की कि उसके बाद कलर्स ने शो सोनी टीवी को ही बेच दिया, किसको लेके आए? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ऐसे देखो तो ईशान भाई की इन हरकतों का राज यही है कि वो राखी सावंत का मेकअप आर्टिस्ट था, और उसमें भी अच्छा काम नहीं किया क्योंकि राखी के चेहरे पे तो फर्क दिख ही नहीं रहा था। ईशान की नजर हार्ट पे जा रही, बतानी कहाँ जा रही है। अबे शकल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। जैसा मैंने बोला, ईशान भाई इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी जाके आया, जो कि इंस्पिरेशन की बात है हम सब के लिए, क्योंकि मैं फोकट में टेंशन ले रहा था वहाँ जाने के लिए टैलेंट की जरूरत है, अब तो मैं भी जा सकता हूँ। ईशान भाई अपने इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो ज्यादा डालते हैं, उसके लिए ना उनको मेहनत लगती है ना देखने वालों को, एल्गोरिथम वही पुश करता है ना जो ऑडियंस को देखना है, इसकी ऑडियंस तो वही देखना चाहती है। कौन है ये लोग? देखो मॉनसून वाइब, इसको मॉनसून वाइब नहीं, इसको डिप्रेशन बोलते। दुख भरे आशिक भाई, अगर प्यार करना है तो कुत्तों से करो ना, इंसानों से नहीं, कुत्तों से ही कुछ सीख लोगे तो हमसे अच्छे इंसान बन सकते, उनको तो ऐसा डांस भी नहीं आता जिससे दूसरों का मूड खराब हो। खाने की चीजों से नॉर्मल लोग सिर्फ पेट भरते, ईशान भाई उससे भी जिस्म की भूख मिटाते। अजीब जानवर है। योर हेयर इज डन सर, आपका मेकअप कर दूं? सर मेकअप करना? व्हाट टाइप ऑफ मेकअप डू यू प्रेफर? मेकअप? पंक। ज्यादा मेकअप चाहिए आपको या कम मेकअप चाहिए? मेकअप? पंक। अच्छा तो लग रहा है। ट्रेंड में है सर, मार खाई मेकअप, टिकटॉकर्स में बहुत ट्रेंड में होता है। भाई कांटे मुंह पे लग गए ना, पूरा मुंह छिल जाएगा लड़की का। इंस्टाग्राम है ये, इंस्टाग्राम नहीं, ये कैसा कंटेंट है? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो। मुझे तो लग रहा था कि गवर्नमेंट ने अश्लील वीडियोस और अश्लील साइट्स बंद कर दी थी। तेरी क्या है? सेलिब्रिटी फोटो शूट विद ईशान सीजन 5। ओके, मतलब यहाँ पर लोगों को पे करना होता है इसके बाद फोटो शूट करने पूरे। आर यू रेडी? 8 लोग के कमेंट है, उसमें भी आधे तो स्पैम है, कोई रेडी नहीं है भाई फोटो शूट करवाने। अगर मेरे ऐसे दिन आ जाए कि भाई मेरे को पैसा देके इसके साथ फोटो शूट करवाना हो, मैं तो फिनाइल पी लूं। पहला बंदा है इसके इंस्टाग्राम रील्स देख के मेरे को लगता है कि काश इंस्टाग्राम पे डिसलाइक बटन होता। एनीवेज गाइस, बढ़ते आपके फेवरेट रोस्टिंग सेगमेंट में, माइक ड्रॉप।
अगर आप देखो इंस्टा पे किसी भी अश्लील साइट का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, क्योंकि उन सब की कमी पूरी करने के लिए ईशान भाई ने अपना अकाउंट डेडिकेट कर दिया है। अश्लील है ये लोना। ईशान भाई अपने स्टाइलिंग, फैशन और मेकअप पे बहुत ध्यान देता है। स्टिल ये बेस्ट एग्जांपल है दुनिया को दिखाने के लिए कि ये सब करने के बाद भी आप खराब दिख सकते हो बंगर की शक्ल के। जो लोग ईशान का मेकअप और स्टाइलिंग कॉपी करते हैं ना भाई, एक बात मानना पड़ेगा, वो लोग सच में बहुत मेहनती है, क्योंकि यार बहुत मुश्किल होता है बिना रिजल्ट के काम करना। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे। इतना वल्गर है ना, कुछ दिनों बाद ऐसा लग रहा है इसका कंटेंट देखने के लिए इनकॉग्निटो मोड पे चलाना पड़ेगा। ईशान भाई अपनी प्राइवेसी की बहुत ध्यान रखते हैं, कभी रिवील नहीं किया वो कहाँ पे रहते। कुछ लोग कहते हैं वो दिल्ली में रहते, कुछ लोग कहते हैं वो मुंबई में रहते। अरे दिल्ली मुंबई नहीं भाई, ये बंदा सिर्फ हवस में रहता है, तड़प ही ऐसी है ना। ईशान भाई एक फैशन इन्फ्लुएंसर, डांसर, मेकअप आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर है, ऐसा उसने अपनी बायो में लिखा है। मैं तो अभी भी छपरी बेरोजगार मानता हूँ। ईशान को देख के मैं प्राउडली कह सकता हूँ, तारे जमीन पर वाला ईशान अवस्थी अकेला घर वालों को डिसअपॉइंट नहीं करता, एक और ईशान भी है। ईशान भाई में इतना टैलेंट है कि मैं चाहता हूँ कि इनका टैलेंट प्रिजर्व हो, एक एक पेटी में इनका टैलेंट को रखा जाए फ्रीजर में, ताकि वो फैले ना। लोग बोलते हैं कि ईशान भाई भाड़े के कपड़े लेकर रील्स बनाते हैं। तुम बताओ तुम्हें ऑनेस्टली लगता है रेंट भरने के पैसे होंगे? नहीं, चुराए हुए पैसे काउंट नहीं होते। ईशान भाई इंटरनेट पर इतना फेक लगता है, इससे ज्यादा रियल तो इसके फॉलोअर्स हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मेरे को नॉन वेज और वेज दोनों ही तरीके के जो फूड हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली नॉन वेज, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। नॉन वेज तो अच्छा लगा है, लेकिन जो वेज डिशेज हैं पर्शियन दरबार की वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भाई इतना सोच के क्या बोल रहे हैं, वेज और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई वेज और नॉन वेज दो ही तरह के खाने होते, अनलेस तू इंसान को पनीर समझ के खाता हो। अरे पनीर समझ के खा जा। मैं देवदास बिल्कुल नहीं हूँ, मैं देवदास क्यों होना है? आई एम नॉट लाइक ब्रेकअप हो गया, मैं मर गया, मैं गल गया, नो, आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम एंजॉयिंग माय ब्रेकअप आल्सो। जब अब समझ आया ईशान भाई खुद का ही कंटेंट देख के रोते क्यों नहीं है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। माना भाई आप ब्रेकअप में खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हो, बट इंस्टाग्राम पे जो कॉन्टेंट के नाम पे आप MMS अपलोड कर रहे हो ना, उस पे रो लो जरा। Guys, I just want to say you one thing, that enjoy your patch up be or breakup be, dono. Enjoy your peg. That enjoy your patch up. Do peg gappa gap. Do peg gappa gap. अरे ईशान भाई कौन है जो इससे पूछ रहे हैं आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? इसको तो यही बोलना चाहिए कि किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करो। कल 9:30 यहाँ पे पहुंच जाना, क्योंकि लाइफ में तुम कितने हार चुके हो जो इसके फैन हो। एंड में यही बोलना चाहूंगा, ईशान भाई की मैंने इंटरव्यूज देखी, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन रील्स में दिल थोड़ी बिकता है, अच्छी रील्स बिकती है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कोई भी जाके भाई को हेट मत देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @Mahesh Keshwala। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।